हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जिसका कि नाम है जियोलॉजिक टाइम स्केल। जियोलॉजिक टाइम स्केल को सर्वप्रथम डिफाइन किया था या बताया था आर्थर हॉल्म्स ने, जो कि एक ब्रिटिश पैलियंटोलॉजिस्ट और जियो साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसके बारे में सर्वप्रथम 1913 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको डिस्क्राइब किया। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, एक अर्थ के ओरिजिन से लेकर के अभी तक अर्थ की क्रस्ट या अर्थ के एनवायरनमेंट में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उनका समय के साथ क्या संबंध रहा है, उसी सिस्टम या उसी यूनिट को हम जियोलॉजिक टाइम स्केल कहते हैं। यदि हम इसकी डेफिनेशन की यदि बात करें, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज़ अ सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेटिंग दैट रिलेट्स जियोलॉजिकल स्टेटा टू टाइम। तो समय और जियोलॉजिकल जो स्टेटा है उसमें क्या रिलेशनशिप है, उसी को हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। इसके लिए अर्थ साइंटिस्ट, जियो साइंटिस्ट और पैलियंटोलॉजिस्ट ने अर्थ की हिस्ट्री, जब से कि अर्थ का ओरिजिन हुआ है तब से लेकर अभी तक अर्थ की क्रस्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, या उसकी जो स्टेटा होती हैं, जैसे कि जो रॉक्स पाए जाते हैं अर्थ की, जो रॉक्स होती हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसी को हम जियोलॉजिक टाइम स्केल कहते हैं। तो अर्थ की क्रस्ट में डिफरेंट समय में, चूँकि समय की कोई बहुत बड़ी घड़ी नहीं है, घड़ी तो केवल 24 आवर्स की है, तो जियोलॉजिक टाइम स्केल जो है वो एक घड़ी की तरह काम करता है, एक क्लॉक की तरह काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिट ऑफ टाइम, जो कि अलग अलग सेगमेंट का जो टाइम रहा है उसको डिफाइन करने के लिए इसका यूज जो है वो साइंटिस्टों ने किया है, जो कि पैलियंटोलॉजिस्ट होते हैं या जियो साइंटिस्ट होते हैं या अर्थ साइंटिस्ट होते हैं, उनके द्वारा इस जियोलॉजिक टाइम स्केल का यूज़ किया जाता है। तो इस जियोलॉजिक टाइम स्केल की स्टडी के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि जो अर्थ के ओरिजिन, मतलब कि पास्ट टू लेटेस्ट, प्राचीन को सबसे पहले पढ़ना होता है, और जो लेटेस्ट, जो नई जो इवेंट्स हुई हैं, जो नई घटनाएं हुई हैं, उनको हमें पहले पहले लिखना होता है। तो हम इसकी स्टडी जब करते हैं तो हम इसको जो टाइम की जो यूनिट है, जियोलॉजिक टाइम की जो यूनिट है, उसको अलग अलग तरीके से, इसको अलग अलग सेगमेंट में इसको बांट लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो जियोलॉजिक टाइम स्केल की यूनिट होती है वो यून कहलाती है, वो यून कहलाती है। यून के बाद एरा, उससे छोटी यूनिट होती है, और एरा से छोटी यूनिट होती है पीरियड, और पीरियड से छोटी यूनिट होती है ईपोक। तो हमें सबसे पहले देखना होगा यून। तो यून जो हैं वो कुल टोटल 4 यून में जियोलॉजिक टाइम स्केल को डिवाइड किया गया, 4 यून में जियोलॉजिक टाइम स्केल को डिवाइड किया गया। फर्स्ट यून है हैडियन यून, हैडियन यून। तो ये यून वह समय है जब अर्थ का ओरिजिन ही हुआ था, जब पृथ्वी का ओरिजिन हुआ था, और उस समय इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स बने थे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फॉसिल्स सून ऑफ नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई फॉसिल उस समय का नहीं मिला है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस यौन में पृथ्वी का ओरिजिन हुआ है, जो कि लगभग 4.6
बिलियन ईयर पहले की बात है, या हम कहें तो 4.5 अरब साल पहले की बात है। उस दौरान फॉर्मेशन ऑफ मून हो गया था और उस दौरान इस लेयर से सबसे ओल्डेस्ट एक मिनरल है जिसका नाम है जिरकॉन, वो इस समय प्रेजेंट था। अब हम बात करते हैं अगला जियोलॉजिक जो योन है उसका नाम है आर्कियोजोइक योन। तो आर्कियोजोइक योन जो है ये घटना जो लगभग है वो है 2.5 बिलियन ईयर पहले की, या हम कहें कि 2.5 अरब साल पहले की ये घटना है आर्कियोजोइक जो टाइम है वो। तो इस दौरान जो एंशियंट लाइफ थी, प्राचीन जो लाइफ थी वो ओरिजिन हुई थी, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी थे, बैक्टीरिया थे और आर्किया थे। क्योंकि आर्कियोजोइक, आर्की से हम कह सकते हैं कि प्राचीन बहुत पहले के, और जोइक मतलब एनिमल, तो उस समय बैक्टीरिया मतलब कि यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया इस दौरान या 2.5 अरब साल पहले उनका ओरिजिन पृथ्वी पर हो चुका था। तो इस दौरान फर्स्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हुआ, साथ ही साथ आरएनए मॉलिक्यूल बना और अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो गई। इसके बाद बात करते हैं अगले योन की जिसका नाम है प्रोटेरोजोइक योन। प्रोटेरोजोइक योन, तो प्रोटेरोजोइक योन जो समय है वो लगभग आज से 1.5 अरब साल पहले का है। इस समय पहला मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म था या लाइफ था वो अपीयर हुई, दिखाई दी, क्योंकि ऑक्सीजन पहले ही बन चुकी थी और जो कॉन्टिनेंट थे वो एक मर्ज हो गए, कॉन्टिनेंट जो थे वो मर्ज हो गए और इसको रोडिना कहा गया, जो कॉन्टिनेंट जो मर्ज हुई उनको रोडिना नाम दिया गया। और इस समय जो फर्स्ट जो मल्टी सेलुलर जो एनिमल थे वो थे स्पंज। तो इस दौरान स्पंज का अपीयरेंस हुआ, ये स्पंज इस दौरान दिखाई दिए। अब हम बात करते हैं तो इन तीनों ही योन में कोई भी ना तो एरा है और ना ही कोई पीरियड है और ना ही कोई ईपॉक है। और जो प्रोटेरो जो एक जो योन है ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम है, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम है, इसने सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया है, सबसे ज़्यादा इसी ने समय लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगला योन जिसे कि फेनेरोजोइक योन कहा जाता है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। थैंक यू।